वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आपने बंदर और राजा की वो कहानी तो जरूर सुनी होगी जब राजा के नाक पर मक्खी बैठ जाती है और बंदर उसको उड़ाने के लिए नाक पर ही तलवार से वार कर देता है और राजा की नाक कट जाती है। ऐसा ही हाल तालिबान का भी है, जहां सत्ता तो मिल गई पर जाहिल हरकत वाले लड़ाकों के भरोसे सरकार कैसे चलेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने तालिबान को पाला पोसा, उसी को लड़ाके के बरादर के बराबर कुटाई कर रहे हैं। वो बरादर तो तालिबान की हर एक अहम लड़ाई का हिस्सा था। उस पर काबुल के राष्ट्रपति भवन में अंदर लात घूंसे बरसाए गए। एबीपी की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की सरकार में हक्कानी गुट का वर्चस्व इस कदर बढ़ गया है कि उसी के एक कमांडर ने बरादर पर लात घूंसे से हमला कर दिया, उस पर बरसात कर दी। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही बरादर की मौत को लेकर एक खबर आई थी, लेकिन बाद में बरादर ने वीडियो जारी करके उन खबरों का खंडन किया था। और अब हम अमेरिकन मीडिया में ये खबर सुर्खियों में है कि काबुल में राष्ट्रपति भवन के अंदर बरादर के साथ मारपीट हुई है और गोलियां भी चली हैं। ये बात तो दुनिया जानती है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान का प्रमुख चेहरा रहा है। अमेरिका के साथ बातचीत में वो हमेशा आगे रहा है। अफगानिस्तान छोड़कर गए अमेरिका और उसके सहयोगियों को उम्मीद थी कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की आवाज होगा। अमेरिका को उम्मीद थी कि वो तालिबान कैबिनेट में गैर तालिबान नेता और साथ ही जातीय अल्पसंख्यकों को भी हिस्सा देगा। अमेरिका के कई देशों को उम्मीद थी कि देश की कमान बरादर के हाथों में ही सौंपी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आपको बता दें कि बरादर को डिप्टी पीएम का पद ही मिला है। तर्क ये दिया गया है कि मुल्ला बरादर अमेरिका के दबाव में आ सकता है और आने वाले समय में ये तालिबान की सरकार के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। बरादर चाहता है कि सरकार में सबको जगह मिले और गैर तालिबान नेता और जातीय अल्पसंख्यक भी कैबिनेट का हिस्सा बने, उसमें शामिल रहें और दुनिया के साथ तालिबान नजरों से नजरें मिला सके और अफगान में शामिल हो सके और उसमें शांति रहे। लेकिन हक्कानी गुट से बरादर की ये बातें बर्दाश्त नहीं हुई। इसी बात को लेकर बहस भी चल रही थी। बहस के बीच अचानक से हक्कानी नेता खलील उल रहमान हक्कानी अपनी कुर्सी से उठा और बरादर पर घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा करती है कि दोनों के बॉडीगार्ड्स ने भी एक दूसरे पर गोलियां बरसाई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। जिसके बाद बैठक को बीच में ही छोड़कर मुल्ला बरादर तालिबान के सर्वोच्च नेता हैबतुल्ला के बात करने के लिए काबुल छोड़कर कंधार चले गए। इसके बाद ही पिछले हफ्ते ही खबर आई थी कि बरादर बुरी तरह से घायल है, जिसे बाद में बरादर ने अपना वीडियो जारी कर इसे खंडन कर दिया था, जिसमें उनकी मौत की अफवाह भी उड़ाई जा रही थी। जाहिर सी बात है कि मुल्ला बरादर कुछ समय पहले तक तालिबान का मुख्य चेहरा थे और अब सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति भवन इस घटना के बाद मुल्ला बरादर को साइडलाइन कर दिया गया है। ऐसे में लगता नहीं है कि ये विवाद इतनी जल्दी शांत हो पाएगा। बरादर को सत्ता में बेदखल करने से पश्चिमी देश को भी दिक्कत है, क्योंकि शांति वार्ता का मुख्य चेहरा बरादर ही था। इस बात से यह भी साफ हो गया है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान समर्थित हक्कानी गुट अफगानिस्तान सरकार में बेहद ही मजबूत हो चुका है, जो भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन चुका है और अमेरिका के लिए भी। अब देखना यह होगा कि अफगानिस्तान का बंदरबांट होगा या फिर सादी आतंकी आपस में ही लड़ लड़कर खत्म हो जाएंगे। इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज।